हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनु वर्मा फ्रॉम सरदार सिंह कॉन्वेंट्री कॉलेज महिंदा सीतापुर। बच्चों आप देखेंगे होम साइंस में जो चैप्टर हमारा चल रहा था 3, ठीक है, तो उसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा पैंक्रियाज यानी कि अग्न्याशय। ठीक है, तो अग्न्याशय आप देखते हैं कि जो ये यहाँ पे जो ग्रहणी होती है उसी से ये पैंक्रियाज यानी कि अग्न्याशय हमारा जुड़ा होता है। ठीक है, देखेंगे कि यहाँ सबसे पहले क्या है, ये लिवर से यानी कि पित्त वाहिनी जुड़ी होती है जो ला करके यहाँ पे ग्रहणी में पित्तरस को छोड़ती है। ठीक है, यही से हमारा पैंक्रियाज लगा होता है। ठीक है, ये इतना भाग हमारा पैंक्रियाज है। इतना भाग हमारा पैंक्रियाज होता है। ठीक है, एक प्रकार से पत्ती के सदृश संरचना इसकी होती है पैंक्रियाज की। ठीक है, हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जुड़ता है। ठीक है, मिश्र ग्रंथ के रूप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मिश्रित ग्रंथ होती है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ यहाँ पे उपस्थित होती है। ठीक है, एक एक ऐसी ग्रंथ है जो एक प्रकार से मिश्रित ग्रंथ के रूप में होती है। ठीक है, जितने भी बॉडी पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम में सब में उसमें से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो है शरीर की मिश्रित ग्रंथ के रूप में जानी जाती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब इसके लंबाई चौड़ाई की बात कर लेते हैं क्या, अग्न्याशय के नीचे तथा पीछे, अमाशय के नीचे और पीछे की ओर। ठीक है, ये अमाशय से जुड़ी होती है यानी कि इसके ऊपर अमाशय होता है, वहाँ पे यहाँ पे ग्रहणी जुड़ी होती है, उसी से ये पीछे की ओर होती है। क्या, नीचे नीचे और पीछे की ओर, ये आपका इतना अमाशय भाग होता है। ठीक है, यहाँ से इतना सा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे आपकी है नीचे की ओर पीछे की ओर होती है ये जो ग्रंथि होती है। तो एक लंबी सी ग्रंथि होती है। ठीक है, पत्ती के आकार की संरचना है और लंबी सी ये ग्रंथि होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 14 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, और चौड़ाई जो है वो आपकी 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, तो लंबाई आपको पता होगी, चौड़ाई पता होगी। ठीक है, दूसरी बात है कि इस ग्रंथ के अंदर पाचक रस बनता है। ठीक है, पाचक रस बनता है जिसे आप क्लोम रस भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि पैंक्रियाज यानी कि अग्न्याशयिक रस यानी कि पैंक्रियाज जूस या अग्न्याशयिक रस भी कहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आपको यहाँ पर मिलेगा क्लोम रस। ठीक है, क्लोम रस याद रखेंगे, क्लोम रस। ठीक है, या पैंक्रियाज या अग्न्याशयिक रस कहते हैं। ठीक है, यह रस जो है वो क्लोम रस या ग्रहणी में आता है। ठीक है, यही क्लोम रस जो है आपका, देखिए इसके अंदर जब क्लोम रस यहाँ पर बनेगा तो ये ग्रहणी में ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या होगा, अमाशय का जो आपका पचित भोजन है वो यहाँ ग्रहणी से प्रवेश करेगा और इसमें ये मिक्स हो जाएगा ये रस। ठीक है, अब ये रस 3 प्रकार के एंजाइमों से मिलकर के बना होता है और क्या, उसको पचाने का काम करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन से पाचक या पाचक एंजाइम यहाँ पे होते हैं। तो ठीक है, इनको देखते हैं। तो देखिए ये होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, पाचक इसमें जो होते हैं, आपको हमने बताया कि क्लोम रस ग्रहणी में आता है। ठीक है, और इसी क्लोम रस में जो है 3 प्रकार के आपके एंजाइम होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। ठीक है, उसमें देखिए कौन कौन सा एंजाइम है आपका। ठीक है, यहाँ पे इमाइलोटेप्सिन। ठीक है, इमाइलोटेप्सिन जो है आपका पहला जो एंजाइम है, तो वो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, जो पहला एंजाइम है वो क्या करेगा, यानी कि इमाइलोपेप्सिन जो है आपका, वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का काम करेगा पहला। ठीक है, दूसरा है ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन जो है आपका वो क्या करेगा, प्रोटीन को इमिनो एसिड में बदलेगा। ठीक है, इमिनो एसिड को बदलने का काम करेगा। ठीक है, ये दूसरा आपका एंजाइम है। तीसरा है आपका लाइपेज। ठीक है, तो लाइपेज जो क्या करता है, वो वसा को फैटी एसिड यानी कि ग्लिसरीन में बदलने का काम करता है। तो इससे स्रावित होने वाला क्लोम रस जो है वो 3 प्रकार के एंजाइम से मिलकर के बना होता है, जो यहाँ पे क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा को उसके यानी कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो एसिड और वसा फैटी एसिड यानी ग्लिसरीन में बदलने का काम करता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आपके यहाँ पे एंजाइम होते हैं। अब ये एक दूसरे को बदलने का काम करते हैं। ठीक, दूसरी बात हम आपको ने पहले यहाँ पे ही बता दिया है कि
एक प्रकार से मिश्रित ग्रंथ होती है, ठीक है, यानी कि अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों प्रकार का ये काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो है एक प्रकार से एंजाइम का स्राव करता है, जो इस प्रकार से इसको यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा को बदलने का काम यहाँ पे किया। लेकिन यहाँ पे एक और होता है हार्मोन्स, ठीक है, ये हार्मोन्स को भी स्रावित करता है। और हार्मोन्स हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, सीधे वो ब्लड में ही छोड़े जाते हैं, ठीक है, एक प्रकार से नलिका के रूप में, यानी जितने भी हमारे हार्मोन्स होते हैं वो नलिकाओं में ही छोड़े जाते हैं, यानी कि ब्लड में छोड़े जाते हैं, ठीक है, वो अंगों तक या यथास्थान तक जो है हमारे ब्लड के माध्यम से पहुँचते हैं, ठीक है। तो उसमें से इसके माध्यम से इंसुलिन नाम का एक हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है, जो हमारे क्या करता है, ग्लूकोज के उपापचय या कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का नियंत्रण या समन्वय करने का काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी अधिकता हो जाए, ठीक है, यानी कि अगर इसकी कमी हो जाए, ठीक है, अल्पस्रावण, यानी कि इसकी अल्पस्रावण की अगर कमी होती है तो मधुमेह हो जाएगा, यानी कि ब्लड में हमारे क्या है ग्लूकोज की मात्रा वहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला अतिस्रावण, यानी कि अगर इसकी कमी हो जाती है, ठीक है, तो अतिस्रावण यानी कि जब इसकी अधिकता हो जाती है ठीक है बच्चों, तो इंसुलिन के जो है अल्पस्रावण से जो है मधुमेह हो जाता है, यानी कि आपके ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है। और जब अतिस्रावण होता है यानी कि इसकी अधिकता हो जाती है तब जो है ग्लूकोज में जो है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है, ठीक है। तो बहुत सारे कमियां शरीर में उत्पन्न हो जाती है, जैसे मान के लिए जलन की क्षमता कम होना, दृष्टिपात होना, है ना, और थकावट, है ना, ऐठन, इस तरह के बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे मिश्रित ग्रंथ था, तो ये इम्पोर्टेंट था, तो आपको हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है, और उसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ज़्यादातर पूछा जाता है कि ये ऐसे पूछा जाएगा कि हमारे शरीर में जो है मिश्रित ग्रंथ के रूप में कौन सी ग्रंथि जानी जाती है, तो आपकी पैंक्रियाज, यानी कि एक्टिनेस, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे आपका कंप्लीट होगा।